दोस्तों, जीवन में कोई गहरा आघात लग गया है किसी प्रियजन के चले जाने के बाद, किसी के धोखा देने के बाद में, कोई मानसिक आघात लगने के बाद में, अगर शरीर में खासकर मानसिक रूप से कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, इन सबको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिंगल दवाई को कुछ दिन तक लेने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करती हैं। इसी बारे में आज का वीडियो रहने वाला है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जो सब्सक्राइब बटन के बराबर में होता है, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों, होम्योपैथी में सिम्टम के आधार पर अगर सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाए, तो एक या दो दवाओं के इस्तेमाल करने से ही गंभीर से गंभीर समस्याएं ठीक हो सकती हैं, खासकर जो मानसिक समस्याएं होती हैं। ऐसी एक दवा के बारे में हम आज बात करेंगे। दवाई का नाम है इग्नेशिया अमारा, जो क्रोनिक या अक्यूट दोनों टाइप की मानसिक समस्याओं को ठीक करती है, खासकर वो समस्याएं जो किसी प्रियजन के बिछड़ने, आघात लगने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई प्रियजन किसी के जीवन से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी प्रेम प्रसंग में कुछ गड़बड़ हो जाने से, संबंध में कुछ गड़बड़ हो जाने से, किसी भी रिश्ते में गड़बड़ हो जाने से, जिन दो दो लोगों में प्रगाढ़ प्रेम था, उसमें उसके बाद जो समस्याएं आती हैं शरीर में, या जो बदलाव शरीर में फिजियोलॉजिकल तरीके से होते हैं, कुछ हार्मोन इधर उधर हो जाते हैं, उनसे जितनी भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, मानसिक समस्याएं, उनसे फिर शरीर में दूसरी समस्या भी देखने को मिलती है। खासकर फीमेल पेशेंट में बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, और फीमेल की तो ये टॉप ग्रेडेड रेमेडी है इग्नेशिया अमारा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक पौधा है, एक पेड़ है, जिसको होम्योपैथी में पोटेंटाइज करके इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। फिर इसको लोअर और हायर दोनों पोटेंसी में हम लोग अपने पेशेंट को देके उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करते हैं। लोअर पोटेंसी में फ्रिक्वेंट डोज दी जा सकती है, कुछ दिन तक दिया जा सकता है। हायर पोटेंसी में बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, और कुछ डोज कुछ दिन तक देने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट लोअर पोटेंसी से करते हैं। वो कैसे करते हैं और कैसे एंड करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम को हम समझ लेते हैं। ये बहुत संवेदनशील महिलाओं की, बच्चों की और पुरुषों की भी, जो बहुत संवेदनशील है, जिनके अगर अंदर गुस्सा भी है तो वो चेहरे पर नहीं आता, लेकिन दुख बहुत जल्दी चेहरे पर आ जाता है। हर टाइम ऐसे लोग नज़र आते हैं जो हर टाइम दुखी परेशान नज़र आते हैं, और कई बार अकेले में घुट के रोने वाले, अकेले में जाके रोने वाले लोग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी ऐसे बहुत सारी चीज़ आएंगी कि मेरी जो हंसी है उस पे मत जाइए, मेरी हंसी के पीछे मेरा बहुत बड़ा दुख है, ऐसे लोगों की ये टॉप रेमेडी है। ऐसे लोगों को इस रेमेडी से अकेली से ठीक किया जा सकता है। इसको ऐसे लोगों को जब आप देंगे तो उनकी मानसिक स्थिति सुधरेगी, उसके साथ साथ जो उनको समस्याएं नजर आती हैं, जब लगातार मानसिक विकार चलते रहते हैं तो कुछ डाइजेस्टिव कंप्लेन भी आ जाती हैं, पाइल्स हो जाते हैं खासकर ऐसे लोगों को, और टॉयलेट के बाद में चुभन बहुत ज़्यादा रहती है, इवन ज़्यादा खांसने से ज़्यादा ऐसी कोई जिसमें एनल का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसी इस वजह से इनको एनस में, मल द्वार में, लेटिन के रास्ते में तेज चुभन वाला दर्द देखने को मिलता है। ये होती सब मानसिक कारण से ही। ऐसी महिलाएं जिनको कोई दुख है, कोई अंदर अंदर कुछ समस्या खा रही है, वो चाहे उसका पति शराब पी के हंगामा करता है, या घर में ऐसे लोग हैं जो उसको ताने देते हैं, जिनको वो जवाब नहीं देती है, सामने से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अंदर अंदर परेशान है, अंदर अंदर घुटती है, जिसकी वजह से उसको मेस्टुरल प्रॉब्लम भी आने लगती है, उसका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और बहुत जल्दी अर्ली मेंसिस होते हैं, जल्दी महीने में 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं, और या तो वो बहुत परफ्यूज, बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे, या फिर बहुत थोड़े से होंगे, लेकिन जल्दी
ये सब सिम्टम आने लगते हैं। इसके अलावा वीपिंग टेंडेंसी आ जाती है, बार बार चीज़ों को लेकर रोने की समस्या महिला में देखने को मिलती है। इवन पुरुष में भी अगर कोई ऐसे आघात लगा है अभी रिसेंट में, ताज़ा ताज़ा कोई आघात लगा है, मानसिक आघात, तो उसकी वजह से मानसिक समस्याएं, सर में दर्द है। सर में दर्द ऐसा होता है जैसे साइड में से कोई कीले ठोक रहा हो थोड़ी के साथ, पुरुष में भी महिला में, लेकिन जड़ और कारण वही रहना चाहिए, कोई ताज़ा मानसिक आघात अभी कुछ दिन पहले ऐसा लगा है जिसकी वजह से मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में इग्नेशिया हमारा बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छी रेमेडी है इन सभी समस्याओं के लिए। दबे हुए दुख के कारण, क्योंकि ये दुख दब ही गया, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, दबे हुए दुख के कारण कई बार बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है ऐसा आदमी, ऐसी महिला खासकर, बहुत तेजी से गुस्सा उसको आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग गुस्सा दिखा नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो दिखा पाते हैं उनको मेनिया जैसी, अवसाद जैसी सिचुएशन भी आ जाती है, बहुत हाइपर बिहेवियर उनका देखने को मिलता है, लेकिन कारण वही है, पीछे कोई आघात है, कोई मानसिक आघात है, कोई मानसिक समस्या है, कोई बिछड़ना, कोई संबंध विच्छेद बड़ा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दुख उसको देखना पड़ रहा है। इस कंडीशन में भी इग्नेशिया हमारा को हम लेते हैं और इग्नेशिया हमारा इस कंडीशन में भी बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को बहुत जल्दी ही ठीक कर देती है। छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगती है, ये महिला हो या पुरुष हो, छोटी छोटी बातों से दिक्कत होने लगती है, नींद की समस्या होने लगती है, नींद अच्छे से नहीं आती, गले में स्पेसिफिक एक सिम्टम आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है गले में, कुछ अटका हुआ है लेकिन उसको निगल नहीं पाते, ऐसा लगता है गले में कुछ है और निगला नहीं जा रहा है, ये समस्या, ये भी मानसिक अवसाद जब लगातार रहता है, दबे हुए मानसिक अवसाद रहते हैं उस कंडीशन में ऐसा होता है, वहाँ पर भी हम इग्नेशिया हमारा को यूज़ करते हैं। सभी सिचुएशन में आप एक ही तरीके की डोजोलॉजी, एक तरीके की डोज को इसमें ले सकते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सबको ये रेमेडी उसी तरीके से काम करती है। स्त्री में खासकर इसके बहुत मेन सिम्टम नज़र आते हैं, अवसाद है, उदासी है, और बात करते हुए अपनी बात बताते हुए जैसे दुख में आहें भरता है आदमी, उस तरीके से अपनी बात वो महिला करती है। इस सिचुएशन में भी इग्नेशिया हमारा टॉप ग्रेडेड रेमेडी है। ये सब स्थिति है, इनमें से कुछ चीज़ें मैच होती है तो इग्नेशिया हमारा पेशेंट को दे सकते हैं या खुद ले सकते हैं। मानसिक आघात है जिसकी वजह से परेशान है, फिर चाहे वो भय है, बीमारी का डर भी है, ऐसी सिचुएशन भी रहती है, कोई प्रेम संबंध या उसमें निराशा मिली है, अचानक कोई बुरी खबर सुन लेने के बाद में समस्या नज़र आ रही है, मतलब दुखी व्यक्ति है, दुखी नज़र आता है, और निश्चित रूप से उसकी समस्या है, लेकिन ये इग्नेशिया हमारा ये पौधे से बनी जो दवाई है ये उसको बहुत जल्दी उसको आराम देती है। अचानक मूड बदलता है पेशेंट का, अचानक खुशी है उसको और खुश है वो किसी वजह से, और फिर उसको पुरानी बात याद आ जाती है, फिर उसको वही सारी समस्या देखने को मिलती है। एमेनोरिया ज़्यादातर रहता है, मैंने बताया कि मेंसेस हो सकता है कि बहुत कम आए या ना आए, या अर्ली मतलब हॉर्मोनल डिसबैलेंस जो है उसमें देखने को मिलता ही है। मतलब मानसिक आघात बुरी खबर से मिलने से के बाद में जो समस्या सारी हुई है उसमें आपको इग्नेशिया हमारा देना है। कैसे देना है वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। जब आप पेशेंट से बात कर रहे हैं या आप खुद मेरी वीडियो सुन के आपको लग रहा है ये सिम्टम है आपके, कोशिश तो आप करें या आपको जाना चाहिए होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में, उसको अपनी समस्या सिम्टम बतानी चाहिए और फिर वो आपको आपकी दवाई सेलेक्ट करके दवाई दे सकता है। लेकिन इसको लेने का तरीका वो सब हमें बताना ज़रूरी है। आप इसको 30 पोटेंसी से शुरू करें, 30 पोटेंसी की दो बूंदे जीभ पे सुबह, दो बूंदे शाम को, ऐसे कुछ दिन तक लेना है। जब आपको अपने मानसिक विकारों में, मानसिक सिम्टम्स में रिलीफ लगना शुरू हो, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए, तब आप इसको एकदम से बंद नहीं करेंगे, तब आप इसकी 30 पोटेंसी की दो बूंदे जीप पे दिन में एक बार लेंगे। मान लो आपने 15 दिन में दो बार लिया, फिर 8 दिन में एक बार लेंगे, उसके बाद 30 पोटेंसी को रोक के 200 पोटेंसी आपको यूज़ करनी है, और 200 पोटेंसी को सप्ताह में केवल एक बार लेना है। याद रखना है ये पूरा ट्रैक तभी आप फॉलो करेंगे जब आपको पहली जो पोटेंसी है 30 पोटेंसी उससे रिलीफ लग रहा है। 30 पोटेंसी आपने दिन में दो बार ली,
आपको उससे रिलीफ लगना शुरू हो जाए तब इस ट्रैक को फॉलो करेंगे। लेकिन आपके सिम्टम मिल रहे हैं 30 पोटेंसी से आपको रिलीफ नहीं मिला तो 30 पोटेंसी को एकदम बंद कर दीजिए, फिर आप सीधा 200 पोटेंसी करना यूज करना शुरू कर दीजिए। 200 पोटेंसी को सुबह दिन में एक बार, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक, 5 दिन तक लीजिए, आपको रिलीफ इसमें लग जाएगा। लेकिन सीधा 200 पोटेंसी तभी लेनी है जब 30 पोटेंसी से रिलीफ ना लगे, अदरवाइज 30 पोटेंसी से शुरू करेंगे और 200 पोटेंसी पे एंड करेंगे वीकली डोज लेके। इस तरीके से आप इसका यूज़ करिए इग्नेशिया हमारा, और ऐसे मानसिक आघात, कोई फिजिकल जो फिजिकल प्रॉब्लम इसकी वजह से जनरेट होती है, या कोई रिलेशन में ब्रेकअप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इन सब में मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।